नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी ललिता की जुबानी में। हमारी आज की एक और नई कहानी, मुझसे शादी करोगी। लम्मा और रुपेश ने अभी पिछले ही महीने अपनी शादी की 39वीं सालगिरह मनाई है। भरा पूरा परिवार है उनका। दोनों ने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल साथ साथ जिया है और एक दूसरे का हौसला बन जीवन के मुश्किल समय को भी पार किया है। फिर भी दोनों के बीच बात करने को कुछ नहीं है। अक्सर दोनों चुप हो टीवी देखते हैं या बिना मतलब के मोबाइल पर उंगलियां चलाते रहते हैं। ये चुप्पी धीरे धीरे दोनों को एक ऐसी खाई में धकेल रही थी जहां सिर्फ पछतावा और शिकायतें थी। आज अगस्त का पहला रविवार है। युवा और बच्चे इस दिन को फ्रेंडशिप डे कहकर सेलिब्रेट करते हैं। ना जाने क्यों पर आज लम्मा को ये चुप्पी मरगट सी लग रही थी, जैसे मातम पसरा हो घर में। उसने हिम्मत की और इस खामोशी को तोड़ने की। सुबह चाय के साथ उसने रुपेश की तरफ फ्रेंडशिप बैंड देते हुए कहा, ए जी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। रुपेश ने आश्चर्य से लम्मा को घूरा, फिर होठों को एक और दबाते हुए व्यंग्य में बोला, 60 साल में सटिया गई हो क्या? क्यों बच्चों वाली हरकत करने लगी हो? न जाने क्यों पर लम्मा को ये बात तीर सी लगी। जब कोई घाव पुराना हो जाता है तो उसमें मवाद भर जाता है, फिर हल्का सा दबाने पर भी वह बहने लगता है। आज कोई पुराना दर्द लम्मा की आंखों में बहने को तैयार था। उसने अपने अंदर भावनाओं की सुनामी को आज उसने शब्द देने का निर्णय लिया। बिना किसी किंतु परंतु के उसने बोलना शुरू किया, तुम हंस रहे हो क्या? क्यों क्यों हमारी सोच हमें ऐसा कुछ करने की इजाजत नहीं देती? है ना, पता है, जब हम लड़कियां शादी करती हैं तो अपने पति में ये सब किसी भगवान की तलाश नहीं होती। हम तो बस इतना ही चाहती हैं कि हमारा जीवन साथी हमारा दोस्त बने, जिसके साथ हम बेझिझक कुछ भी शेयर कर सके। लम्मा बैंड को पैक करते हुए आगे बोली, ढलती उम्र हो चली है हमारी, चाकर भी नहीं कुछ पाने की, लेकिन सभी रिश्तों में नहीं मिला मुझे वह दोस्ती वाला सुकून जो जवानी में फिल्में देखकर तुमसे खोजा करती थी। तुम बड़े ही इंतमिनान से मेरे सामने मेरी सहेलियों की काया, उनकी छाया की तारीफ कर देते हो। देखती हूँ मैं, जानते हो तुम कि मुझे कुछ चुभ रहा है। उस वक्त पर तुम निसंकोच बोलते जाते हो, मुझसे समझदारी की उम्मीद रखते हो कि मैं बुरा ना मानूं, परंतु जब मैं तुम्हारे दोस्तों की तारीफ करती हूँ और ऐसी ही उम्मीद तुमसे करती हूँ तो क्या तुम्हारी समझ मेरे चरित्र का विश्लेषण करने लगती है? मेरा तन मन तुमको सौंप दिया और तुम अच्छे से जानते हो मेरा ना विचार में ऐब है ना ही चरित्र में। मैं तो बस तुमसे तुम्हारी तरह खुले मन से किसी पर पुरुष की तरफ कर रही हूँ, क्योंकि तुम ही मेरे दोस्त हो, साथी हो, हमदर्द हो, मेरा सब कुछ हो। रमेश बीच में ही बोलने के लिए जैसे मुंह खोला, लम्मा तुरंत खुद पर हंसी और बोली, देखो ना, मैं ही पागल हूँ। एक आदमी से कितनी उम्मीद लगा रखी है। यकीन मानो, उम्र के हर पड़ाव पर हमें एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है, जो आपको सुने, समझे और बिना जजमेंटल हुए आपको अपनाए। शादी की सालगिरह हो या बच्चों का जन्मदिन, पारिवारिक कार्यक्रम हो या दफ्तरी प्रोग्राम, हमने एक कुशल दंपति बनकर हर जगह पहचान बनाई है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए सिर्फ एक पति पत्नी भर ही हैं। इस रिश्ते में इससे ज्यादा कि मेरी कोई उम्मीद क्या हास्यप्रद है? हम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी परिवार बनाने और उसको चलाने में निकाल दी है। आज जब उम्र के आखिरी दौर में है तो क्यों ना हम खुल कर जिए, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए जीता है। क्यों ना हम एक बार, आखिरी बार ही सही, एक दूसरे के दोस्त बन जाएं और इस घर में फैलते हुए सन्नाटे को रोक ले। रुपेश ने लम्मा को सुन रहा था और समझने की भी कोशिश कर रहा था कि क्यों ना उसे लम्मा को दोस्त बनाने की कोशिश क्यों नहीं की, क्यों सिर्फ वह उसका पति बना रहा जबकि वह
उसका अच्छा दोस्त बन सकता था। लमा बोलते बोलते हांफने लगी थी। रुपेश चुप था। वह अपनी कुर्सी से उठा और बालकनी में से लगे एक पीले गुलाब को तोड़ लाया और शाहरुख खान के स्टाइल में करते हुए बोला, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? लमा के होठों पर भी एक गुलाबी सी मुस्कान खिलाई। तो देखा दोस्तों, एक औरत अपने पति से क्या चाहती है कि वो एक दोस्त की तरह उससे व्यवहार करे, उसके हर कदम पे उसका साथ दे। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।